दोस्तों, आजकल की परिस्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि युवा लोगों में बूढ़े और मिडिल एज की लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, युवा लोगों में लगातार यौन संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। अपने पार्टनर को सेटिस्फाई न कर पाने की समस्या लगातार सामने आ रही है। इसकी कुछ वजह मानसिक तनाव भी है और कुछ हमारे खान पान का भी है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर घर में मौजूद छोटी सी चीज आपका बड़ा मुनाफा कर दे तो कैसा होगा? आज हम आपको बताने वाले हैं दो लौंग खाने की ऐसी आदत के बारे में जिसे वैज्ञानिकों ने भी माना है कि यह हर मर्द के लिए कितना कारगर है। रात को दो लौंग खाने के बाद देखिए क्या मैजिक होता है। इस वीडियो को लड़के भी देखें और लड़कियां भी जरूर देखें। सिर्फ रात में दो लौंग खाना है आपको। देखिए दोस्तों, लौंग जो है उसके ऊपर एक स्टडी की गई थी 2006 में और उस रिपोर्ट को जारी किया गया। स्टडी के दौरान ये पता चला कि जो हार्मोन्स होते हैं मेल बॉडी के अंदर उसे बढ़ाता है लौंग। रात में सोने से पहले अगर आप दो लौंग खाकर रोजाना सोएंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो सकता है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुका है तो आपको दो लौंग रात में सोते समय लेना है। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा क्योंकि स्टडी में बताया गया कि लौंग के अंदर जो मैंगनीज होता है वह मैंगनीज हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मानव शरीर में बढ़ाने की। दूसरी जबरदस्त चीज, आजकल एक अलग प्रकार की समस्या देखी जा रही, मर्दों को उत्तेजित होने के लिए अश्लील फिल्में देखनी पड़ रही हैं ताकि वो पूरी तरीके से उत्तेजित हो जाएं और उसके बाद वह आगे के कार्यक्रम के लिए बढ़े। लेकिन अब अगर आप रोज रात को सोने से पहले दो लौंग खाएंगे तो होगा इससे कि आपकी डिजायर आपके पार्टनर की तरफ एनहांस हो जाएगी, आपकी ओवरऑल मैरिज लाइफ बेहतरीन हो जाएगा कि आपकी डिजायर जो है आपके पार्टनर के प्रति वह बढ़ जाएगी। ऑलरेडी आयुर्वेदिक मेडिसिन में और यूनानी मेडिकेशन में लौंग का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है इच्छाओं को भड़काने के लिए। तो जितना हो सके रात में दो लौंग प्रतिदिन लीजिए। इससे आपका जो डिजायर में कमी आई है आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज, लौंग जो होता है वह स्टडी के मुताबिक यह पाया गया है कि इसमें स्टेरोल और फिनॉल पाए जाते हैं। स्टेरोल और फिनॉल की वजह से जो लौंग होती है वह नर्व स्टिमुलेशन को एनहांस करती है, यानी नसों में जो उत्तेजना है उसको भड़काती है, इंक्रीज करती है और सेंस करने की एबिलिटी को बढ़ाती है, टच सेंसेशन को बढ़ाती है। तो नर्व स्टिमुलेशन एनहांस करने के लिए लौंग जरूर खाएं हर रोज रात में सोने से पहले। इससे अगर आपकी पार्टनर आपको टच करेगी तो आप जल्दी रिस्पांस में एक्टिव हो पाएंगे। तो नर्व स्टिमुलेशन का होना भी बेहद जरूरी है और इसके लिए लौंग का सेवन करना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मर्दों के अंदर, वो है पूरी तरीके से तनाव न आ पाने की समस्या। इस समस्या को ईडी कहा जाता है। इस समस्या से निजात में भी लौंग काफी ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और इससे शरीर का बड़ा फायदा होता है और ईडी की समस्या पूरी तरीके से खत्म होती है पुरुषों के अंदर। साथ ही साथ जो वक्त से पहले जो मर्दों का लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है उसे भी रोकने में सक्षम है लौंग, क्योंकि जो लौंग होती है वह ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और इससे मर्दों का जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन पार्ट होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। लंबे समय तक अगर आप लौंग का सेवन करेंगे, ज्यादा नहीं करनी है दोस्तों, रात में सोने से पहले सिर्फ दो लौंग आपको लेनी है। इससे आपकी यह जो समस्या है समय से पहले लिक्विड निकलने की वह भी ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, स्पर्म की क्वालिटी और उनकी मोर्टेलिटी दोनों को बढ़ाता है लौंग, क्योंकि लौंग के अंदर कुछ एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पर्म काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी मोर्टेलिटी, उनकी मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चा पैदा करने की क्षमता डेफिनेटली बढ़ती है। आपको बता दें कि लौंग में विटामिन B1, B2, B4, B6, B9 और बीटा कैरोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा पुरुषों में होता है। अगर आप लंबे समय से यौन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इस परेशानी में हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको एक छोटा सा लौंग आपकी समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि लौंग में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो पूरी तरीके से आपको सही कर सकते हैं। यौन संबंधी समस्याओं को लेकर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लौंग की जो तासीर होती है
जो स्वाभाविक इसका नेचर होता है वह गर्म होता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा इसका सेवन न करें। वहीं महिलाओं को सोच समझकर ही इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लौंग का सेवन करेंगी तो इससे आपके पीरियड्स प्रभावित हो सकते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं को लौंग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लौंग की जो क्वालिटी है और इसके जो फायदे हैं वह यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। लौंग के अंदर फाइबर, सोडियम, विटामिन के, ओमेगा 3, यूजिनॉल, विटामिन सी, पोटाशियम, फास्फोरस, ऐसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं जो रोजाना आपके शरीर में जाएंगे तो आपका शरीर बेहतरीन हो जाएगा। आपको टॉन्सिल रहता है, बार बार आपका टॉन्सिल बढ़ जाता है, बार बार खांसी आती है, छाती में खिंचाव महसूस होता है, तो आप बस एक लौंग रोजाना खाइए, इससे आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सर्दी जुकाम आपका दूर रहेगा। इस तरह अगर आपके दांतों में दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन रहती है या फिर मसूड़ों से खून आता है तो लौंग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बात को सुनकर आप सीधा लौंग चबाना शुरू कर दें। बाजार में आपको लौंग का तेल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। रुई का टुकड़ा लेकर उसमें लौंग के तेल की 2-4 बूंद डालिए और जहां पर आपको दर्द हो रहा है, दांतों में या मसूड़ों में सूजन है, वहां पर इसे कुछ देर के लिए रख दीजिए। आपको तुरंत आराम मिलने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लौंग में यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो दांत से जुड़ी सभी बीमारियों को ठीक करने में कारगर है। इसी तरह अगर आप साइनस का शिकार है, नाक में आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, थोड़ी सी भी धूल आपको बर्दाश्त नहीं होती है, तो लौंग आपकी समस्या को भी ठीक कर सकता है। जब कभी भी आपको साइनस से जुड़ी समस्या हो तब आप रोजाना गर्म पानी में 3-4 ड्रॉप लौंग का तेल मिलाकर पी लीजिए। इससे आपको सांस लेने में बहुत आसानी होगी। इस लौंग की सबसे खास बात यह है कि यह आपके डाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है। अगर आपका डाइजेशन खराब है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो आप हर रोज रात के समय 2-3 लौंग खाकर गर्म पानी पीकर सो जाइए। आपकी डाइजेशन से जुड़ी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा लौंग आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। लंबे समय से अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, तो रोजाना 2 लौंग खाइए, आपको बहुत जल्द इसका असर देखने को मिलेगा। आपका BMR बढ़ा देगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा आपका। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि इसका फायदा डायबिटीज के मरीजों में भी देखने को मिलता है। लौंग का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और वह हमेशा सेहतमंद जीवन जीते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। वैसे अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, तो आपको हर रोज लौंग का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व आपके खून को साफ करने का काम करते हैं। और जैसे ही आपका खून साफ होना शुरू होता है, आपके चेहरे के मुहासे गायब होने लगते हैं। वैसे आपको पहले ही बता दें कि लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है, इसीलिए गर्मी के मौसम में जिन लोगों को सर्दी जुकाम जैसी समस्या होती है उन्हें इसका सेवन करना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ठंड के मौसम में रोजाना लौंग का सेवन करते हैं, चाहे आपका प्रॉब्लम है या ना भी हो, तो लौंग आपके शरीर में जाकर फायदा करेंगे ही करेंगे। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।